गाड़ी थी इसको। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि स्टार्टर सिग्नल पे कॉलिंग ऑन लगा के हम गाड़ी को डिस्पैच कर सकते हैं, तो जी। आप बताइए सर कि अगर मुझे कॉलिंग ऑन से गाड़ी को डिस्पैच करना है तो जब तक एडवांस लोअर नहीं होगा तो हम गाड़ी कैसे डिस्पैच एडवांस इज करेंगे? अ डिफरेंट सिग्नल, एडवांस कंट्रोल्ड विद ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। स्टार्टर सिग्नल इज फ्री फ्रॉम द एडवांस स्टार्टर। एडवांस स्टार्टर के साथ ओनली स्टार्टर सिग्नल की मेन जो सिग्नल है यानी मेन एस्पेक्ट है वही इंटरलॉक्ड होती है। कॉलिंग ऑन सिग्नल इज नॉट इंटरलॉक्ड विद एडवांस स्टार्टर। एडवांस स्टार्टर लोअर मेरा तब होता है जब आप इधर से ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में लाइन के लिए रिसीव कर लेंगे फ्रॉम स्टेशन इन एडवांस से, और ये और आपकी जो मेन लाइन स्टार्टर है ये फेल हो गई। अब क्या करेंगे आपको स्टार्टर को पायलट आउट करना पड़ेगा। जब स्टार्टर पायलट आउट करेंगे तो बिटवीन स्टार्टर टू एडवांस स्टार्टर जितने पॉइंट है उसे क्लैंप एंड पेडलॉक करना पड़ेगा, देन टाइम डिले होगी। इस टाइम जबकि आपकी पॉइंट सारी अच्छी थी, गुड है, मतलब पॉइंट सारा प्रॉपर सेटिंग है, इंडिकेशन प्रॉपर है, कुछ और सर्किटरी फेल्योर है, मेन सिग्नल नहीं हो रहा है। दिस टाइम डिले को बचाने के लिए हम यहाँ एक कॉलिंग ऑन प्रोवाइड करा देते हैं कि सारी पॉइंट की सेटिंग हो गई, ट्रैक ड्रॉप है, मे बी रहने दो। स्टेशन मास्टर ने इंश्योर किया कि ट्रैक ड्रॉप ट्रैक सर्किट फेल्योर के कारण से है, हमारी और कोई दिक्कत नहीं है। वो कॉलिंग ऑन को इनिशिएट करेगा, कॉलिंग ऑन से एडवांस तक जाएगी, एडवांस के बाद अपनी सेक्शन में जाएगी। अभी हमने आपको बताया कि हमारी कॉलिंग ऑन सिग्नल ओनली स्टेशन सेक्शन के अंदर के लिए है, तो स्टार्टर टू एडवांस स्टार्टर का बीच ही एरिया बचता है स्टेशन सेक्शन, नॉट आफ्टर एडवांस स्टार्टर। तो ये जो कॉलिंग ऑन की रूट होगी ये ओनली रूट होगी स्टार्टर टू एडवांस स्टार्टर के बीच। अगर एडवांस स्टार्टर में ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से लाइन क्लियर नहीं मिला है तो गाड़ी आके एडवांस पे खड़ी रहेगी, सिंपल सी चीज है, आगे जा ही नहीं सकती मतलब ये कहना चाह रहे हैं अगर स्टार्टर सिग्नल हमारा फेल है और है। अगर हम कॉलिंग ऑन से देना चाह रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम गाड़ी दे सकते हैं। ठीक नहीं, दिक्कत नहीं, उसी के लिए ही कॉलिंग ऑन है, जितने भी है, सदस्य मतलब है उसी के लिए है। उसके लिए लोअर होना जरूरी नहीं है, मतलब हमको स्टार्टर लोअर करना जरूरी नहीं है, इससे दे देंगे वो एडवांस लोअर हो जाएगा। एडवांस तो अलग से लोग, देखिए आपकी एडवांस नॉट रिलीज्ड बाय स्टार्टर। स्टार्टर जहां पे एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम नहीं है, जहां पे ऑटोमेटिक सेक्शन है, हाँ ठीक है, ऑटोमेटिक सेक्शन ठीक वहां फिर कैसे करेंगे सर? चलिए मैं कॉलिंग ऑन से दे दिया है। अभी फिर अभी 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 आप एक बात बताइए, जहां पे ऑटोमेटिक सेक्शन है, ऑटोमेटिक सेक्शन क्या स्टेशन सेक्शन के अंदर होता है क्या? ऑटोमेटिक सेक्शन स्टेशन सेक्शन के अंदर होता है या ब्लॉक सेक्शन में होता है? सर आपका जो एडवांस है वो तो स्टेशन सेक्शन के आ गया, अंदर आ गया सर ना? होम सिग्नल टू एडवांस के बीच ऑटोमेटिक सेक्शन होते हैं क्या? नहीं, वो तो सर एडवांस के बाहर जब गाड़ी निकल नहीं जाएगी। होता सर, एडवांस के जब बाहर जाएंगे और अगला एफएसएस तक में ऑटोमेटिक सेक्शन हम बनाते हैं, ठीक है। और एडवांस एडवांस जो लोअर करेंगे दिस इज कंट्रोल्ड बाय द ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर, जिस स्टेशन का वो एडवांस है। और एडवांस जब ऑटोमेटिक सेक्शन है, ऑटोमेटिक सेक्शन में एडवांस स्टार्टर को लोअर करने के लिए हमें लाइन क्लियर की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां पे किसकी जरूरत पड़ती है? सेक्शन क्लियर होने की। एक सेक्शन क्लियर होगा इसकी एलो ऑटोमेटिक बन जाएगी, स्टेशन मास्टर लोअर करेगा ये एलो मिल जाएगा उसको, ऐसा ही है या नहीं है? जब हाँ सर, जब रूट देते हैं तो एडवांस को अलग से देना पड़ता है, रूट उसको अलग से करना पड़ता है पैनल पे वीडियो हाँ, में, वो एडवांस सिंपल से वो अलग होता है उससे, सबसे स्टार्टर से एकदम एडवांस अलग होता है। एडवांस की रूट है, एडवांस की छोटी सी रूट भी है आगे, बट एडवांस स्टार्टर को लोअर करने के लिए ऑटो सेक्शन में किस चीज की जरूरत है? उसके आगे का सेक्शन अहेड क्लियर होना है, यानी जो गाड़ी गई है उसके सेक्शन के आगे क्लियर हो चुकी है, थर्टर वाली एरिया, एलबीसीडी वाली जो भी एरिया है क्लियर है। अगर एक सेक्शन क्लियर है तो ये येलो में कन्वर्ट होगा, दो सेक्शन क्लियर है तो डबल येलो होगा, तीन सेक्शन क्लियर है तो ये ग्रीन बनेगा। जी पर जब तक गाड़ी सर एडवांस के अंदर है तब तो स्टेशन मास्टर के कंट्रोल में ही है ना, जब वो एडवांस छोड़ हाँ देगी तब उसके हाथ से बाहर निकलेगी ना, जब तक स्टेशन के हाँ अंदर तो स्टेशन मास्टर के हाथ में ही है ना गाड़ी तो। गाड़ी तो हाथ में है, हाँ ठीक है, गाड़ी हाथ में, गाड़ी से क्या लेना देना है स्टेशन मास्टर को? स्टेशन मास्टर तो सिग्नल ऑपरेट करता है, गाड़ी थोड़ी ऑपरेट करता है। आपके क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, सुनिए, आपका कहना यही है ना कि सर जब कोई गाड़ी हमारी स्टार्टर के सामने खड़ी है, बर्थिंग ट्रैक पे खड़ी है, ये हमारी बर्थिंग ट्रैक पे ट्रेन खड़ी है, ये हमारी स्टार्टर सिग्नल है और ये हमारी एडवांस स्टार्टर सिग्नल है, इसके आगे ऑटो सेक्शन शुरू हो जाती है, तो हम गाड़ी कैसे भेजेंगे? यही कहना है ना?
मेरा सिर्फ ये कहना है, एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था बस कि कॉलिंग ऑन, जैसे कॉलिंग ऑन से मुझे गाड़ी छोड़नी है मेरे को, तो हम कॉलिंग ऑन से अगर कर रहे हैं तो मतलब हमारे स्टार्टर को हम लोअर नहीं कर रहे हैं, हम स्टार्टर को लोअर नहीं कर सकते कि हमारा खराब है, प्रॉब्लम है उसमें। एक साथ में दो सिग्नल हम लोअर कर ही नहीं सकते हैं। अगर हमारी मेन लाइन स्टार्टर लोअर हो रही है, देन हम कॉलिंग ऑन का तो यूज करेंगे ही नहीं, खत्म हो गई कहानी। अब हमारी मेन लाइन स्टार्टर फेल है एनी कारण, किसी और कारण से, ठीक है, या फिर मेन लाइन स्टार्टर और एडवांस के बीच की ट्रैक सर्किट फेल है, हो सकती है। तो मेन लाइन स्टार्टर तो नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे कि ट्रैक सर्किट फेल के कारण में भी पायलट करना पड़ेगा, पॉइंट सारे क्लेम करने पड़ेंगे। उससे बचने के लिए यहां हमने कॉलिंग ऑन लगा दिया, और कॉलिंग ऑन के लोअर होने के सर्किट में कोई भी ट्रैक सर्किट हमने लिया ही नहीं, इंटरलॉकिंग में ओनली पॉइंट लिया है कि सारे पॉइंट अगर अपने प्रॉपर एरिया में सेट है तो कॉलिंग ऑन हमारी एचआर पिकअप हो जाएगी। कॉलिंग ऑन की एचआर पिकअप हो जाएगी, गाड़ी स्टार्टर के आगे निकलेगी, बाकी इधर का जो सीक्वेंस है वो तो उसको मिल ही जाएगा। ये एडवांस की सीक्वेंस एडवांस है, उसके आगे की जो सीक्वेंस है ये तो फिर ऑटो सर्किट में तो सीक्वेंशियल हो गया ना। आगे जैसे जैसे गाड़ी बढ़ती जाएगी पीछे का एस्पेक्ट चेंज होते जाएगा, ऑटो में तो ऐसा ही होता है। ओनली एडवांस लोअर करने के लिए उसको क्या करना है कि इनिशिएट करना है स्टेशन मास्टर को। अगर उसकी सेक्शन ओके है तो जैसा सेक्शन ओके है वैसा सिग्नल उसको मिल जाएगा। अगर एक सेक्शन क्लियर है तो एलो मिलेगा, दो सेक्शन क्लियर है डबल एलो मिलेगा, तीन सेक्शन क्लियर है ग्रीन मिलेगा। वो तो आपकी सर्किट बनी रहती है ऑटो में ऐसा ही, ठीक है। अगर आप रेलवे से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और सीखना चाहते हैं रेलवे सिग्नलिंग के बारे में सब कुछ, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट www.chandramouleshwar.com और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और जुड़िए हमारे कोर्सेज के साथ। आपको मिलेगा हर एक मॉड्यूल की अलग अलग कोर्सेज बहुत ही नॉमिनल फी में। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में।